आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक असमौली के गांव मतावली पट्टी जग्गू पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर है। 2300 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान खुर्शीद अहमद संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान खुर्शीद अहमद और सचिव पुष्पेंद्र कुमार के द्वारा गांव में काफी अच्छा विकास कराया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं जिला संभल के ब्लॉक असमौली के मतावली पट्टी जग्गू ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है और लोगों की मदद भी इस लॉकडाउन के चलते कई तरह से की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे लगभग बीत चुके हैं, आप हमें जो है सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि किस तरह के विकास कार्य आपने अपने गाँव में करवा दिए। देखिए, अब तक मैंने जो है मेरे उसमें 2 गाँव लगते हैं, एक तो मेरा यही गाँव और एक दूसरा एक राजस्व गाँव और है जिसका नाम मतावली पट्टी परशुराम है और हम जिस गांव में हैं ये मतावली पट्टी जग्गू है। तो दोनों ही गांवों में मैंने गांव में कोई भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी है जो 50 साल से लेकर हमारे सभी गाँववासी इच्छुक थे कि यहां पर सड़क बनाई जाए और जिसको किसी भी प्रधान या किसी भी अन्य संस्था द्वारा किसी ने भी बनवाई नहीं है। कच्चे रास्ते जो आज तक पड़े ही हुए थे जी जी, उन्हें आपने जो है अपने कार्यकाल में पूरा, उन्हें मैंने सभी को जो है पूरा करा दिया है जी। और मैं समझता हूँ इस समय कोई भी रास्ता मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो पुराने अभी तक ना बना हो, मैंने सारी कम्प्लीट करा दिए हैं जी। और इसके अलावा लैट्रिन पर भी बहुत ध्यान दिया गया था, ODF हो गई ग्राम पंचायत, हाँ ग्राम जो है हमारा दोनों ही गांव ODF हो गए और लगभग मैंने 400 लैट्रिन दोनों ही गाँव में बनवाई। आवास मिले हैं? आवास यहाँ हमारे गांव में सेक्रेटरी साहब और कई अधिकारियों द्वारा उनका आकलन किया गया है। अभी अभी जो है लगभग 100 आवास गांव में लिए गए हैं, लेकिन बना कोई नहीं है, नहीं कोई ऐड आई है अभी तक। जैसे ही ऐड आएगी उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा इस योग्य है, मानक पात्र है, जो मानक पात्र है जी, उसी को जो है हम बनाए गाँव की होगी और लगभग 1500 दूसरे गाँव की। तो अस्पताल कितनी दूर है यहाँ? अस्पताल यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है, जो मनोटापुर वो सॉरी मनोटा ऑफिस भी है यहाँ पर, जहाँ मनोटा ऑफिस कहलाता है कार्यालय। तो 5 किलोमीटर से पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, मतलब कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है फिलहाल? मैं समझता हूँ ऐसी सुविधा कोई है नहीं यहाँ। तो आपका क्या मानना है, होनी चाहिए नहीं होनी? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई अगर छोटा मोटा अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है जी जी जी, जिससे लोग लाभ उठा सकते। जैसे कि अब कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश में और पूरे देश में लोग परेशान हैं, गरीबों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आपकी ग्राम पंचायत में भी ऐसे कई गरीब परिवार होंगे जिन्हें इस वक्त में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तो उनके लिए आपका किस तरह से उनकी मदद आपने की है या किस तरह से आपका योगदान रहा? देखिए, हमारा योगदान तो ये है, जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें हमने काम दिया है यहाँ पर, स्वयं मैंने अपने भत्ते पर भी उनको काम दिया है और जो हमारे सभी यहाँ पर भत्तों की तादाद अन्य क्षेत्रों के हिसाब से काफ़ी है, तो सभी लोगों ने उन लोगों को अपने अपने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है, जिससे उन्हें कोई धन संबंधी कोई समस्या ना आए और किसी भी तरह से हमने परेशान नहीं आने दी उन लोगों को। और जो लोग बाहर से आए हैं अगर वो नेगेटिव है और तो उनको अस्पताल से नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिलवा कर और उनको क्वारंटीन, मैंने अपने कॉलेज में भी किया है, इंटर कॉलेज जो मैं चलाता हूँ। जैसे कि प्रधान जी आपने बताया भी कि आप मेडिकल फील्ड से भी काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, तो हम थोड़ी सी बात ये जानना चाहेंगे कि अपने ग्रामवासियों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस जो बीमारी फैल रही है इसके समय में किस तरह से वो अपने आप को जागरूक रखें, बचे रहें इससे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जागरूकता का कारण कोरोना में ये है कि पुराने ज़माने में हमारे बचपन में या जवानी में एक बीमारी हुआ करती थी जिसको हम डिफ्थीरिया के नाम से जाना जाता है। वो बीमारी किस नाम से जानते थे? डिफ्थीरिया के नाम से। ये एक गले की बीमारी है और ख़ास तौर से गले में सूजन यानी इन्फ्लामेशन आने के कारण लोगों को खाने में पीने में तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं और उससे
छोटे बच्चों को तो खास तौर से बहुत ही भयंकर रूप से अगर ये बीमारी हो जाए तो जानलेवा भी साबित हो जाती है। इस प्रकार हम कोशिश ये करते हैं कि भाई फ्रिज का पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए, फ्रिज की चीज़ों को कम से कम बाहर निकाल कर 2 घंटे बाहर निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। नहीं, फ्रिज में चीज़ें तो आप सुरक्षित रखने के लिए करिएगा केवल। और कोशिश के मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या कार्य आपने करवाए? देखिए, स्कूल में जो है पहले दीवारें नहीं थी हमारे यहाँ चारों तरफ, तो चारों तरफ हमने दीवारें बनवा दी और जो टूटे फूटे शौचालय थे उन सबको नए सिरे से बनवा दिया। और बराबर में ही आंगनवाड़ी केंद्र था जो आज तक सही नहीं हुआ, ना उसका चबूतरा सही हुआ था, ना ही उसकी अंदर की व्यवस्था सही थी। उन सभी को मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से वहाँ चबूतरा और उसका बाउंड्री और वहाँ लेटरिन बाथरूम और छतें ऐसी थी हमारे जैसे कि स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आप बता रहे हैं इतना आपने सौंदर्यकरण किया है, वहाँ पर काम करवाया है, तो उसका कुछ फर्क आपको देखने को मिला होगा? जैसे कि क्या आंगनवाड़ी पूरी तरह से कार्यरत है, उसमें बच्चे आते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आती हैं, या खाना स्कूल में छात्रों की संख्या है, या पढ़ाई का शिक्षा का जो लेवल है वो उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं पहले से अब तक? देखिए, पहले से जो संख्या है हमारे स्कूल में बच्चों की वो करीब लगभग डौड़ी से लेकर धोनी तक हो चुकी है धोनी गाँव में। और मिड डे मील की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, वहीं पर खाना बनाने से लेकर पानी जल की व्यवस्था मैंने कराई है, टंकी वंकी रखवाई है सब, और वहाँ पर समर सेवन भी करा दिया है। पहले जबकि मात्र एक हैंडपम्प था, इसी प्रकार जो है वहाँ पर जो छतें थी हमारी वो टपक रही थी सारी की सारी, उन सभी छतों को दोबारा उनका कहना चाहिए मुझे मरम्मत कराई है उनकी, और बढ़िया तरीके से करा दी है सभी छतें वगैरह। और कोई फिलहाल अब मात्र हमें वहाँ पर गेट लगाने यानी दरवाजे दोनों ही गाँव में बिल्डिंग में पकड़ने, जैसे स्कूल के अलावा आपकी ग्राम पंचायत में बारात घर, पंचायत घर ये बने हुए हैं? यहाँ बारात घर तो कोई नहीं है, लेकिन एक पंचायत घर जरूर है जिसकी स्थिति इस समय बहुत ही जर्जर अवस्था में है जी। तो उसका प्रस्ताव भी शासन को भेज दिया गया है, बहुत जल्द प्रस्ताव आने के बाद उस पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो है ग्राम पंचायत की बराबर में ही जो एक सार्वजनिक लैट्रिनें बन रही हैं जी, हम सोच रहे हैं कि उस सार्वजनिक पंचायत घर पर ही बनवाएं इसको जी, जिससे सभी लोग वहाँ से कुछ फायदा उठा सकें। खेल का मैदान है? खेल का मैदान है जो पूर्ण तरह अभी खाली नहीं है, उस पर लोग कब्जा किए हुए हैं पुलिस, तो उन लोगों पर भी थोड़ा सा हम आपकी कोशिशें जो है जारी हैं उस पर क्योंकि अस्पताल तो ध्यान नहीं है। कितनी यहाँ पर जनसंख्या होगी? जनसंख्या के लिए ठंडी चीज़ें बनाना, खाने के लिए जब सुरक्षित चीज़ हमारी रखी रहेगी फ्रिज के अंदर उसे हम बाहर निकाल कर जो बाह्य टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लें, चाहे उसमें हमारे 2 घंटे लगे, उसके बाद ही उसका खाने में उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह अब अपनी ग्राम पंचायत को आप और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए कुछ प्रमुख मांगे सरकार से रखना चाहेंगे? हाँ, एक नाले की समस्या है यहाँ पर, 2 नालों की हमारे गांव में जो पहले इंटरव्यू में थी जो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले लिया गया था जी, मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर जो है लगभग 2 नालों की यानी 2 नालियाँ ऐसी हैं जो बन जाए हैं जो करीब 1-1.5 किलोमीटर लंबी हैं, क्योंकि गांव में कुछ हिस्से में ऐसा है जहाँ कोई तालाब तो आता नहीं जी, तो वो पानी जाए तो जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए अगर गवर्नमेंट हमको 2 नाले बनाने के लिए पैसा दे दे तो मेन जो हमारे बराबर में 1 किलोमीटर दूर तालाब है गांव से, हम गांव के पानी को उसमें डाल दें तो गांव में जो है ये जो रास्ते ख़राब हो रहे हैं आए दिन वो ख़राब होने से बच जाएगी। मैं यही चाहूँगा कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके लिए हमें मिल जाए तो और अच्छा। क्या कुछ परिवार अभी ऐसे हैं जिनके लिए आवास की यहाँ पर भी जरूरत है, कच्चे मकान में रहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आवासों की यहाँ लगभग दोनों गांव में 100-150 परिवार ऐसे हैं लगभग जी, 100 तो बिल्कुल हैं ही निश्चित तरीके से जी, कि जिनको आवास की हर हालत में आवश्यकता और मिल जाए तो बहुत दुआ भी देंगे बेचारे, और रहने में उन लोगों को आसानी होगी और कोई परेशानी नहीं होगी बेचारे। तो मैं समझता हूँ कि अब प्रशासन के ऊपर बात है कि कब वहाँ से एड आती है, कब वहाँ से सहायता आती है, कब वहाँ से धन उपलब्ध कराती है हमारी गवर्नमेंट जी, तो आफ्टर दिस इसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, पिछले कई वर्षों में लगभग 4.5 साल जो इनके कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं उसमें काफ़ी विकास इस गाँव में करवाया गया है, पूरा गांव कीचड़ मुक्त कर दिया गया है, सभी रास्ते लगभग यहाँ पक्के हो चुके हैं, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गाँव पूरी तरह से ODF हो चुका है,
स्कूल के साथ साथ कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में जो सौंदर्यकरण कराया गया है उसके साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र में भी काफ़ी हद तक सौंदर्यकरण दोबारा से करवाया गया है यहाँ पर, जिससे काफ़ी फर्क पिछले सालों से और अब में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर समस्या की तरफ नज़र करें तो कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे बारात घर अभी तक यहाँ निर्मित नहीं है। इसके अलावा प्रमुख मांग जो यहाँ प्रधान ने रखी है वो एक नाले निर्माण को लेकर के है, जिसकी मांग वो पहले भी कई बार रख चुके हैं, कई बार प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन या कहीं भी किसी और से इन्हें कोई आश्वासन या कोई कार्यवाही की उम्मीद अभी तक दिखाई नहीं दी है। मेरा अनुरोध है, मोदी सरकार से निवेदन है कि इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करें। अशरफ अली के साथ नाजरीन, फिर से।